हेलो गाइस, वेलकम टू लोकेश कुमार यूट्यूब चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग पाइथन सीरीज। तो मेरा जो रीजन है इस सीरीज को लॉन्च करने का, तो वो ये है कि जो भी हमारे बिगिनर प्रोग्रामर्स हैं, जो भी हमारे बिगिनर्स पाइथन प्रोग्रामर्स हैं जिनको पाइथन की बेसिक्स आती हैं या डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, उनको फोकस करना चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ। क्योंकि तो हमेशा मेरा भी ये फोकस रहा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ। जब तक हम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी लैंग्वेज है उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे कहीं पर, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, तब तक हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हमने कुछ किया है। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है यहाँ पर इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज या फिर इस पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज में, मेरा जो टारगेट है, मैं इस सीरीज में 50 प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा और सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फटाफट से जाके बेल आइकन दबा दो और रेगुलर अपडेट उससे मिलेंगी, डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन आएंगी। क्योंकि तो मैं डेली प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा, डेली एक प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा, तो आप प्रोजेक्ट मिस कर दोगे अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो। ठीक है, फटाफट जाके बेल आइकन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट की। बेनिफिट क्या है यहाँ पर? सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हमें कॉन्फिडेंस देगा, एज अ प्रोग्रामर हमें कॉन्फिडेंस देगा कि हमने अब कहीं कुछ भी सीखा हुआ है, हमने जो पाइथन की बेसिक सीखी हुई या पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर सीखे हुए उसको कहीं पर हम अप्लाई करें, हम प्रोजेक्ट बनाने में उसको अप्लाई करें, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी वो तो अलग है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि हमारा जो पहला पाइथन प्रोजेक्ट हमारा क्या होने वाला है इस सीरीज का पहला पाइथन प्रोजेक्ट, तो वो है हमारा रॉक पेपर सीजर गेम। और इसको मैं अभी बिल्कुल लाइव कोडिंग करके दिखाऊंगा, सामने सामने प्रोजेक्ट बनवाऊंगा पूरा, लाइन बाय लाइन कोड समझाऊंगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जल्दी फटाफट से और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। चलो चलते हैं अपनी मेन कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये जो सीरीज है, मैंने सीरीज का एक टारगेट बनाया कि मैं 2 मंथ्स में आपको 50 पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगा और ये सीरीज बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। ठीक है, और मेरा जो एक टारगेट है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक टारगेट है, वो जो टारगेट है वो अचीव हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अपना ये फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, अपनी डी ड्राइव में आया हूँ मैं और मैंने एक फोल्डर बना रखा है पाइथन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पर VS कोड एडिटर अपना ओपन करूंगा। ठीक है, मैं पाइथन कोडिंग के लिए VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, एक काफी अच्छी IDE है, फ्री IDE है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम जो कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, रॉक पेपर सीजर गेम। ठीक है, और सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, दिखते ही काफी एक्साइटेड लग रहा होगा, ये मैंने पहले से गेम बना रखी है, पर टेंशन मत लो, दोबारा से इसको बिल्कुल लाइव कोडिंग करके सामने सामने समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन कोड समझाऊंगा कि करा क्या एक्चुअल में रॉक पेपर सीजर गेम बनाने के लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, डेड बटन दिख रहा है सामने, फटाफट दबा लो और वो बेल आइकन भी दबा लो जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि 2 मंथ्स की सीरीज होने वाली है तो नोटिफिकेशन रोज आएगी, डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन आएगी, तो इसलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है, तभी नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, 50 प्रोजेक्ट्स मैं बनवाऊंगा 2 मंथ्स में, ये मेरा टारगेट है और इसको मैं कंप्लीट करूंगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको मैं कंप्लीट भी करूँगा। तो अभी यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, और अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना। तो मैं यहाँ पर गेम है हमारी रॉक पेपर सीजर .py, तो हमारी नई फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो अब हमें गेम बनानी, तो पहले मैं इसको जरा जूम कर दूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे, आई थिंक इतना सही है। तो सबसे पहले हमें जिस मॉड्यूल की जरूरत है वो पाइथन में इनबिल्ट आता है, रैंडम मॉड्यूल। इस गेम को बनाने के लिए सिर्फ रैंडम मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ चीजें ऑटोमेट करनी है। तो एक चीज ऑटोमेट करनी है, अभी पता लग जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले जो हमें मॉड्यूल रिक्वायरमेंट है, इम्पोर्ट रैंडम, हमें रैंडम मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, और ये तो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया। अब बात आती है गेम डिजाइन की, हमें गेम पूरी डिजाइन करनी है। ठीक है, गेम हमें डिजाइन करनी है पूरी, तो गेम डिजाइन कर लेते हैं फटाफट से।
ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि किसी भी गेम को डिजाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए गेम के पैरामीटर्स क्या हैं। गेम के पैरामीटर्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये रॉक पेपर सीजर गेम है, बचपन में सभी ने खेली, इनफैक्ट अभी भी खेल लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है गेम के पैरामीटर्स भी रॉक पेपर और सीजर ही होंगे। तो मैं यहाँ पे एक गेम पैरामीटर की लिस्ट बना लेता हूँ, गेम पैरामीटर्स की मैं लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा रॉक, रॉक सेकंड एलिमेंट पेपर, थर्ड एलिमेंट सीजन। ओके, तो गेम थोड़ी अच्छी दिखे, गेम स्टार्ट होते कुछ ना कुछ हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फटाफट से एक चीज प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू और रॉक पेपर सीजर गेम प्लेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, काफी अच्छा लगेगा दिखने में अगर स्टार्टिंग में हमें डिस्प्ले हो जाए। और थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूजर का नाम भी मैं इनपुट करा लेता हूँ, इनपुट हे यूजर प्लीज इनपुट योर यूजर नेम। हमने ये भी करवा लिया, और थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग पे मैं अपर मेथड यूज कर लूंगा, ठीक है, जो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, और अब हमें देखो, अब हमें मेन गेम डिजाइन करनी है, अब हमें मेन गेम डिजाइन करनी है। ठीक है, अब देखो ये गेम चलेगी कैसे, पहले मैं बताता हूँ। हम पहले शो करेंगे कंप्यूटर को रॉक पेपर या सीजर में से कुछ भी, वो हमारे ऊपर है, हम इनपुट देंगे रॉक पेपर या सीजर। ठीक है, पर कंप्यूटर को हमें ऑटोमेट करना पड़ेगा कि कंप्यूटर हमें रैंडमली कुछ भी शो करे, कंप्यूटर हमें रैंडमली शो कुछ भी करे। ठीक है, कंप्यूटर रैंडमली क्या शो कर सकता है, मेरे कभी रॉक शो करेगा, कभी पेपर शो करेगा, कभी सीजर शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि हम एक गेम खेलें तो उसमें 10 टाइम्स शो करें कंप्यूटर और हम यूजर। ठीक है, 10 टाइम्स यूजर शो करे रॉक पेपर सीजर, 10 टाइम्स कंप्यूटर शो करे रॉक पेपर सीजर। तो ये 10 टाइम्स हमें सेम जो भी मैं कोड लिखूंगा गेम के लिए वो हमें परफॉर्म करना है। तो उसके लिए लूप यूज करना जरूरी है, तो मैं लूप यूज कर रहा हूँ, वाइल लूप यूज कर रहा हूँ पाइथन का, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब हमें ऑटोमेट शो करना है, पहले कंप्यूटर को ऑटोमेट करना है कि कंप्यूटर रैंडमली कुछ भी हमें शो करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, एक रैंडम इंटीजर बना दूंगा, रैंडम इंटीजर वेरिएबल, और उसमें मैं करूंगा क्या, रैंडम मॉड्यूल यूज करूंगा अपना, रैंडम डॉट, रैंडम के अंदर रैंडिंट फंक्शन यूज करूंगा, और 0 से लेके 2 के 2 तक मैं क्रिएट कर दूंगा रैंडम इंटीजर। मतलब इसका मतलब क्या है, रैंडम इंटीजर में वैल्यू आ सकती है 0 आ सकती है, 1 आ सकती है 2 आ सकती है, और इसका फायदा क्या होगा अभी नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर एंट्री नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कंप्यूटर एंट्री नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ गेम पैरामीटर्स नाम की जो लिस्ट है वहां से मैं एक्सेस करूंगा रैंडम इंट के जरिए। ठीक है, देखो हमारा काम हो गया, कभी यहाँ पर 0 आएगा, कभी यहाँ पर 1 आएगा, कभी यहाँ पर 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे लिस्ट से हमारा एक्सेस, कभी तो रॉक एक्सेस करेगा इस वेरिएबल में, कभी हम पेपर एक्सेस करेंगे, कभी हम सीजर एक्सेस करेंगे। तो हमने ऑटोमेट कर दिया कंप्यूटर को कि वो रैंडमली हमें शो करे रॉक पेपर या सीजर। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम यहाँ करूंगा, कंप्यूटर एंट्री को मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, जो भी एंटर जो भी आ रहा है लिस्ट से वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्यूटर एंट्री डॉट अपर। ठीक है, तो ये काम भी हमारा हो गया। अब सेम काम करना है यूजर के लिए, तो यूजर एंट्री उसको गेम सॉरी इनपुट देना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा, तो इनपुट हे यूजर, तो यहाँ मैं एफ स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, एफ स्ट्रिंग आई होप पता होगा सबको एफ स्ट्रिंग। तो यहाँ मैं यूजर का मैंने नेम इनपुट लिया था, देखो यहाँ पर ये ऊपर 8th लाइन पे यूजर का मैंने नेम इनपुट लिया था, तो मैं यहाँ पे यूजर का नाम डालूंगा, हे यूजर, जैसे यूजर का नाम लोकेश है तो हे लोकेश, इट्स योर टर्न। ठीक है, ये आपकी बारी है, अब आप डालो रॉक पेपर सीजर में से कुछ भी डालो। ठीक है, कंप्यूटर के सामने कुछ भी शो करो, आपकी मर्जी है।
है, तो ये हो गई यूजर एंट्री, और सेम काम मुझे यहाँ पे करना है, यूजर एंट्री को भी मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर कैसे भी एंटर कर सकता है, कभी लोअर केस में एंटर कर दे, कुछ लेटर्स जो अपर केस में एंटर कर दे, तो यहाँ तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, पाइथन तो केस सेंसिटिव है। यूजर एंट्री डॉट अपर, तो ये देखो हमारा एंट्री का काम हो चुका है, कंप्यूटर को हमने ऑटोमेट कर दिया कि वो हमें रॉक पेपर सीजर हमारी तरफ थ्रो करे, और यूजर भी अपने हिसाब से थ्रो कर सकता है रॉक पेपर सीजर कंप्यूटर को। ठीक है, अब हमें कंडीशन डालनी है कि कंप्यूटर को पॉइंट्स कब मिलेंगे, यूजर को पॉइंट्स कब मिलेंगे। ठीक है, वो कंडीशन डालनी जरूरी है, तो अब यहाँ पे कंडीशन हम डालते हैं, कंडीशन चेक। ठीक है, कंडीशन चेक करनी है, और यहाँ पर एक काम मैं पहले करना चाहूंगा कि एक गेम में हम 10 बार खेलेंगे, एक गेम में 10 बार खेलेंगे हम, मतलब 10 टाइम शो करेगा कंप्यूटर, 10 टाइम हम शो करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि हमें कुछ पता लगता रहे ना। प्रिंट गेम शो नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, गेम शो नंबर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा आई। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, हम नीचे इंक्रीमेंट करेंगे, वाइल लूप है। तो देखो जब गेम नंबर, गेम शो नंबर 1 होगा, फिर गेम शो नंबर 2 होगा, फिर गेम शो नंबर 3 होगा, ऐसे 10 तक चलेगा ये लूप। तो अभी हम फिलहाल यहाँ कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ देखो अब यहाँ पे यूजर कब जीतेगा वो लिखना है हमें, और सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि कंप्यूटर कब जीतेगा, और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब हर जब गेम टाई भी होगा, कभी ना कभी गेम टाई भी होगा, तो हमें यहाँ 3 कंडीशन डालनी, यूजर के जीतने की कंडीशन, कंप्यूटर के जीतने की कंडीशन, और टाई होने की कंडीशन। टाई होने का मतलब दोनों ही रॉक शो कर दे, दोनों ही पेपर शो कर दे, दोनों ही सीजर शो कर दे। ठीक, तो यहाँ पर इफ यूजर एंट्री इक्वल इक्वल्स टू रॉक, इफ यूजर एंट्री इक्वल इक्वल्स टू रॉक, एंड ऑपरेटर मैं यहाँ यूज करूंगा। और देखो अगर यूजर को जीतना है तो कंप्यूटर एंट्री को यहाँ पर होना पड़ेगा सीजर। ठीक है, यही होना पड़ेगा सीजर, और यहाँ पे अपर केस कर दूंगा क्योंकि सब कुछ अपर केस में मैंने पहले ही कन्फर्म कर दिया, तो यहाँ पे सब कुछ अपर केस से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ब्रैकेट से, थोड़ा मतलब अच्छा देखें कोड, और यहाँ पे फिर मैं लगा रहा हूँ और ऑपरेटर। ठीक है, यूजर इस कंडीशन में जीतेगा, और यूजर के जीतने की और भी कंडीशन होंगी, 3 कंडीशन होंगी, वो तीनों कंडीशन में डालूंगा यहाँ पे। यूजर एंट्री इक्वल इक्वल्स टू, अगर हो जाए देखो रॉक के बाद आता है पेपर, तो पेपर, तो इसके बाद कंप्यूटर एंट्री क्या होगी वो हमें डालना है, तो एंड कंप्यूटर एंट्री इक्वल इक्वल्स टू, अगर पेपर है, यूजर पेपर शो कर रहा है, तो यूजर कब जीतेगा, अगर कंप्यूटर शो कर दे रॉक तभी जीतेगा, तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं रॉक, ROCK। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे एंड और। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से यूजर एंट्री अगर हो जाए सीजर तो कब जीतेगा, तो यूजर कैसे जीत सकता है, अगर कंप्यूटर शो कर दे रॉ। ठीक है, कंप्यूटर सॉरी सॉरी, कंप्यूटर शो कर दे पेपर तब जीतेगा यूजर यहाँ पर, तो एंड ऑपरेटर यहाँ यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर एंट्री इक्वल इक्वल्स टू पेपर। ओके, तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना काम जो करना है मुझे। अब मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा यहाँ पर भी मैं, एफ स्ट्रिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है पाइथन में यूज करने के लिए, बहुत आसान बनाते हैं हमारे लिए ये चीजें एफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्ग्रेट्स यूजर, यू गेट 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हियर। ठीक है, ये मैंने डिस्प्ले करा दिया मैसेज कि यूजर को 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं, और यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर कि मैं इधर, हमें स्कोर भी तो बढ़ाना है ना, तो यहाँ पे मैं यूजर स्कोर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यूजर स्कोर नाम का एक बना रहा हूँ मैं वेरिएबल, जिसको मैं साइन कर रहा हूँ इनिशियली 0, और एक बना रहा हूँ कंप्यूटर का स्कोर का वेरिएबल, कंप्यूटर स्कोर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और जिसमें मैं साइन कर दूंगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे इधर आके इस कंडीशन में मैं यूजर के स्कोर को प्लस इक्वल टू कर दूंगा 10। ठीक है, 10 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, और अब नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, एलिफ, नेक्स्ट कंडीशन पर आ गए हम, और यहाँ पे सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ये। ठीक है, और यहाँ पे चेंज क्या करूंगा देखो जल्दी से, क्योंकि
प्रोग्रामर्स की आदत होती है कि वो ज्यादातर सेम चीज बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेंज क्या करूँगा, यहाँ पर हमें कंप्यूटर को जिताना है, पहले हमने यूजर को जिताया, इस कंडीशन में हमें कंप्यूटर को जिताना है। तो चेंज क्या करना है, यहाँ जहाँ जहाँ यूजर एंट्री है वहां वहां मैं कंप्यूटर एंट्री कर दूंगा। तो मैं यहाँ वीएस कोड की फैसिलिटी यूज करूंगा, जो मल्टी कर्सर की फैसिलिटी है। जहाँ जहाँ यूजर एंट्री है वहां वहां मैं ऑल्ट दबा के क्लिक कर दूंगा, तो वहां वहां कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो फटाफट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर एंट्री, कंप्यूटर एंट्री। ठीक है, ये देखो कंप्यूटर एंट्री कितनी आसानी से आ गई। अब सेम काम करते हैं, जहाँ पहले कंप्यूटर एंट्री था वहां कर देते हैं यूजर एंट्री, और मैं ऑल्ट दबा के सब जगह चेंज कर देता हूँ। जहां जहाँ कंप्यूटर एंट्री है हमें चेंज करना है वहां पर, सॉरी ये क्या हो गया, ऑल्ट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे चेंज करना, तो अब यहाँ पे करते हैं यूजर एंट्री। तो अब देखो ये हमारा एक कोड हो चुका है पूरा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा हमारा कोड, काफी छोटा है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। तो ये हमारी कंडीशन हो चुकी है, ये हमने अपनी कंडीशन लिख दी। ठीक है, अब हम आते हैं अपना मैसेज प्रिंट कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंट, अब ये यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे हमारा कंप्यूटर जीत रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमें तो बुरा लगेगा कंप्यूटर क्यों जीत रहा है। तो ऊप्स, कंप्यूटर वॉन। ठीक है, कंप्यूटर जीत गया। तो यहाँ लिखता हूँ सो, सॉरी सर, यहाँ 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 सही है, इतना काफी है। यहाँ पर कंप्यूटर वॉन नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर लिखना कंप्यूटर गेट्स 10 पॉइंट्स शेयर, ये ज्यादा सही है। 10 पॉइंट्स शेयर, कंप्यूटर जीता कहाँ है, अभी तो गेम चल रही है ना, अभी तो 10 बार चलेगी गेम। और यहाँ पे कंप्यूटर का जो स्कोर उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा बाय द वैल्यू ऑफ 10। और अब फिर से अब यहाँ पे देखो एलिफ कंडीशन, अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर यूजर एंट्री और जो हमारी कंप्यूटर एंट्री दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, सॉरी स्कोर कैसे आ गया, कंप्यूटर एंट्री, ठीक है, दोनों सेम हो जाए तो मतलब किसी को पॉइंट नहीं मिलेंगे, किसी को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, और स्कोर किसी का इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो मैं लिख दूंगा नो वन गेट्स पॉइंट्स हियर। तो ये मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर। देखो अब हमारी गेम पूरी तरह से डिजाइन हो चुकी है, बस अब फाइनली हमें स्कोर चेक करना है, फाइनली स्कोर कौन जीतेगा। आई की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी, अब ये लूप 10 बार चलेगा, 10 बार ये लूप चलेगा, और 10 बार ये सारी कंडीशन चेक होगी कि यूजर का स्कोर इंक्रीमेंट होगा या कंप्यूटर का स्कोर इंक्रीमेंट होगा या किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास यूजर स्कोर वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और कंप्यूटर स्कोर वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और उस स्कोर को हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम बचा है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम विनर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो विनर कौन है यहाँ से पता चलेगा। तो पहले मैं प्रिंट करा लूँ कि हमें पता तो लग जाए कि यूजर ने स्कोर एक्चुअल में बनाया कितना है। तो मैं एब्स्ट्रिंग यूज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैं डालता हूँ, इधर ये यूजर का मैंने नेम इनपुट लिया था स्टार्टिंग में, तो यूजर स्कोर, फिर से मैं यहाँ पे अब डालूंगा इधर मैं यूज, सॉरी यूजर स्कोर। ठीक है, तो यूजर का स्कोर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा हमें, और सेम काम यहाँ पर कंप्यूटर स्कोर के साथ करना है। तो एप्स यूज कर रहा हूँ फिर से, तो यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर, और एप स्ट्रिंग की टेक्नोलॉजी कमाल की, यहाँ पर डालूंगा कंप्यूटर स्कोर, कंप्यूटर स्कोर। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करते हैं, इफ कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अब मेन पार्ट जो स्टार्ट हो गया, इफ यूजर स्कोर, अगर यूजर का स्कोर जो है, तो देखो अगर ज्यादा हो जाता है कंप्यूटर के स्कोर से, कंप्यूटर के स्कोर से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा। तो
तो हमें मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, नहीं हमारे तो अच्छी बात है, प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, मजबूर थोड़ी ना। तो प्रिंट कराएंगे हम कि यूजर, सॉरी अच्छा कुछ प्रिंट करा देना, अच्छा सा कुछ ज्यादा अच्छा लगे, मोटिवेटेड सा लगे, कॉन्ग्रेट्स यूजर यू वॉन्ट। डॉलर्स के साइन दिखाए थे, डॉलर्स के साइन, ठीक है, जीता है यूजर, कुछ ना कुछ प्राइज मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे एलिफ कंडीशन, यूजर स्कोर लेस देन कंप्यूटर स्कोर, अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या करना है हमें, फिर हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। ओप्स कंप्यूटर वॉन्ट, so try again, फिर से try करो, हार नहीं माननी हमने। फिर else condition में, else condition अब जब greater than less than condition आ चुकी है तो बची सिर्फ equal वाली condition है, equal equal वाली condition, तो अगर दोनों बराबर हो गए तो लिख देंगे print game time हो चुकी है। यहाँ पे इधर डालता हूँ मैं, नाइस ट्राई फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये हमारी अब पूरी तरह से, अब ये गेम हमारी बन चुकी है, अब ये गेम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं ये रन होगी या नहीं होगी। तो पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसको मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन को, पुरानी स्क्रीन जो है मेरी क्लियर, और टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि मैं गेम दिखा सकूँ पूरी। और ऑलरेडी हम अपने फोल्डर में यहाँ पर, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे पाइथन लिखूंगा, पाइथन टाइप करूंगा और अपनी फाइल का नाम, जो मेरी फाइल का नाम है रॉक पेपर सीजर डॉट पी वाई, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये रन नहीं हुई फाइल, अच्छा मैंने सेव नहीं करा, सॉरी, चलो पहले सेव कर लेते हैं। जब ये रन नहीं हुई फाइल, कंट्रोल एस और टर्मिनल को बड़ा करता हूँ वापस से, फिर से चलाते हैं अपनी गेम को। इनवैलिड सिंटैक्स अब कहाँ पर है, 9 नंबर 26 में, चलो इसको देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पर गलती हुई। थोड़ा मैं इसको जूम कम कर लूँ मैं थोड़ा, तो दिख सके, अच्छा यहाँ पर हुआ, समझ गए। अब सही है सब कुछ, अब सेव करते हैं इसको, वापस से आते हैं अपने टर्मिनल पर, फिर से चलाता हूँ गेम को, अब चल जानी चाहिए। कहाँ कहाँ हो रखा है, हर जगह हो रखा है क्या, चलो ये लाइन 26 है, देखते हैं, कॉपी पेस्ट करने का यही बेकार हो गया। एंड यूजर, और यहाँ पे भी इधर भी कर देता हूँ मैं जल्दी से, तो गड़बड़ और कहीं ना हो, बस अब जल्दी से अपनी गेम चलाते हैं, बहुत वेट कर लिया। कंट्रोल एस, हाँ चलो चल गई गेम। तो अब मैं अपना नेम एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, लोकेश कुमार, गेम नंबर 4 नंबर 1, ठीक है, हमारी टर्न है, तो हम यहाँ पर डालेंगे रॉक, मैंने रॉक डाल दिया, नो वन गेट्स पॉइंट, ये टाई हो गया गेम। तो अब जल्दी जल्दी खेलते हैं इसको, सीजर, चलो हमें पॉइंट मिल गया, हम लीड कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर को हम लीड कर रहे हैं, हमें पॉइंट मिल चुका है, हम जीत रहे हैं, अच्छी बात है। फिर से मैं डालता हूँ सीजर, अभी भी हम जीत रहे हैं, बढ़िया। तो अब रॉक, अभी भी जीत रहे हैं, चलो कंप्यूटर नहीं जीत रहा, बढ़िया ही हो रहा है। अब डालता हूँ फिर से मैं रॉक डालता हूँ, अभी भी हम जीते हैं, बढ़िया। सीजर लोकेश कुमार, नो वन गेट्स पॉइंट, टाई हो गया, कंप्यूटर को भी 0 पॉइंट मिले, मतलब हम काफी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर हम काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो फिर से यहाँ रॉक, नो वन गेट्स पॉइंट, टाई हो रहा है अभी भी। फिर से मैं डालता हूँ रॉक, कंप्यूटर को मिल गया, कंप्यूटर को पॉइंट्स मिल चुके हैं, चलो कुछ ना कुछ ले जाने दो बच्चे को, कंप्यूटर को, कंप्यूटर को ले जाए कुछ ना कुछ। तो पेपर फिर से डालता हूँ, कॉन्ग्रेट्स यूजर वॉन, ठीक है, कंप्यूटर का स्कोर जो है वो 30 और हमारा स्कोर जो है वो
40 है, तो हम जीत चुके हैं, तो कॉन्ग्रेट्स, हम जीत चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी अपने पीसी में इस गेम को खेलो, मैं कोड जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। कोड एक्सेस करो, अपने पीसी में रन करो और गेम खेलो और जीतो इस गेम को कंप्यूटर से, ठीक है। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, इसका मैं टारगेट बता सकता हूँ कि 50 प्रोजेक्ट्स में बनवाऊंगा, 2 मंथ्स में बनाऊंगा 50 प्रोजेक्ट्स, 50 प्रोजेक्ट्स में बनवाऊंगा 2 महीने में, ठीक है। तो अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जाके, बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर आनी चाहिए, और जब ये आएगी, जब बेल आइकन दबाओगे, और फटाफट से अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है, तो फटाफट से लाइक कर दो उसको, ठीक है, प्यार दो अपना इस वीडियो को, और मैं मुझे मोटिवेशन दो कि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊँ। 50 प्रोजेक्ट्स के बाद भी मैं रुकूँ ना, मैं मतलब हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स लाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन दो और सब्सक्राइब करो जल्दी से और लाइक करो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब कल मिलते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे एक वीडियो आने वाली है, एक प्रोजेक्ट डेली बेसिस पे आने वाला है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।